एनुअल ट्रूम ट्रूम फिल्म फेस्टिवल के लिए सबसे मशहूर स्टार्स आ गए हैं। विकी, जेसन, यहाँ देखो, वो दोनों लेजेंड्स ऑफ द गैलेक्सी में थे। कुछ और शॉट्स लेता हूँ। अमीर स्टार्स को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, सब पहले से उन्हें जानते हैं। हे, मैंने आपकी सारी मूवीज देखी हैं। आप मुझे गोद लेना चाहोगे? क्या इस एंगल से मेरी लुक अच्छी आती है? कितना प्यारा लड़का है, क्यों ना हम उसे अपने परिवार का हिस्सा बना ले, क्यों नहीं? ये तुम हमारे प्यारे 27वें या 28वें बच्चे होगे। तुम्हें हमारे विला में अलग कमरा भी मिलेगा। लो, इसे पकड़ो और हमारे साथ चलो। लगता है मैं इतने बड़े परिवार में खो जाऊंगा, किसी को मेरे बारे में याद ही नहीं रहेगा। ये लड़की परिवार ढूंढ रही है, मैं नहीं। हमारे पास पहले से बहुत बेटियां हैं, हमें बेटा चाहिए, हमें चलना चाहिए। और अब आ रहे हैं मिस्टर और मिसेस ब्रोक। दोस्तों, अपने लेंस तैयार कर लो। सबको हाय, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें इनवाइट किया गया। ये कौन है? बिन बुलाए लोग, क्या तुम साइन लाए हो? हमारी हर फोटो $1 की है। वहीं गरीब सेलिब्रिटीज में किसी को दिलचस्पी नहीं है। ये लोग है कौन? ये तो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है। और अब उप्स, उनसे मिलिए जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था, इस शाम के सबसे अमीर मेहमान। क्या ये सच में कैरल और एंड्रयू पॉवेल है? पिछले साल से अब तक कुछ नहीं बदला है। मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। हे, वो मुझे देख नहीं पा रहे, मैं ये मौका खो नहीं सकता। याच क्लब भी जाना है, याद रखना। स्माइल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ओह, बहुत जोर से लगी, बेचारा बच्चा। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। चलो इसे गोद लें। ठीक है, परिवार में स्वागत है। अब ये सब धन दौलत हमारी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। ये घर इतना बड़ा है कि अगर तुम्हें इसमें घूमना है तो तुम्हें एक मैप, एक कंपास, एक हफ्ते के खाने और पानी की जरूरत होगी। चलो मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूँ। ये मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। अगर तुम्हें स्कीइंग पसंद है तो तुम कभी भी हमारे स्की रिजॉर्ट जा सकते हो। फ्यूह, पर स्कार्फ पहनना मत भूलना। चलो अपना टूर जारी रखें। वैसे हमारा दोस्त जेम्स 2 हफ्ते पहले हमसे मिलने आया था, पर पता नहीं वो वापस कब गया। हनी, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ हो सकता है? नहीं, मैंने उस वक्त के बाद से उसे नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। एलेक्स, मिया से मिलो, ये मेड है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, तुम जाकर अपना काम कर सकती हो। आखिरकार इनके पास बेटा आ गया। आह, प्यारी मॉमी, ये कौन है? मुझे अभी इसी वक्त साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। जेम्स, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहा था। वैसे क्या तुम जानते हो तुम्हारे 3rd फ्लोर पर वाटर पार्क है? ओह, मेरा स्केलेटन। चलो मैं चलता हूँ, जल्द ही मिलेंगे। हमारे मेंशन में खो जाना आम है। एह, मैं सड़क पर रहा करता था। काश भगवान मुझे अमीर बनने का कोई रास्ता दिखा दे। वाह, काम की चीज मिली। मेरे पास पैसे कमाने का मौका है, मुझे होशियारी से सोचना होगा। आज मौसम उतना भी खराब नहीं है, परफेक्ट मूड के लिए सिर्फ एक गम की कमी है, बस आसानी से खुल जाए। हे, तनाव दूर करना है तो तुम्हें इस मिरेकल पॉपेट की जरूरत है। मुझे चाहिए, पर फ्री में नहीं मिलेगा। ये गम चलेगी। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। आज अपने फूड ब्लॉग में मैं इस बेहद जूसी ऑरेंज का रिव्यू देने वाला हूँ। जैसा कि आपने कमेंट में कहा था, मेरे पास एक बेहतर सजेशन है, क्यों ना सिट्रस के बजाय स्ट्रॉबेरी गम पर बात की जाए। सब्सक्राइबर्स, हम एक अनोखा कंटेंट दिखाने वाले हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली अनोखी गम कुछ अलग है। हे, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा लेमोनेड कौन पीना चाहता है? कोई नहीं, सारी मेहनत जाया गई। गर्मी लग रही है और ये काफी स्वादिष्ट है। ओह, क्या मुझे एक ग्लास लेमोनेड मिल सकता है? नहीं, नहीं मिलेगा, 5 मिनट पहले नहीं आ सकते थे। अरे, मैंने अपना पहला और आखिरी कस्टमर भी जाने दिया, मैं ये पहली बार करने जा रही हूँ। हेलो, आप बेस्ट स्टार्टअप के लिए $1 बिलियन का सर्टिफिकेट जीत गए हैं। मजाक तो नहीं चल रहा? मेरे साथ डेट पर चलोगी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, हमने शादी कर ली। कैरल ने प्राइजेस बिजनेस की प्रेजेंटेशन में तरक्की की और हम और भी अमीर बन गए। हनी, वापस यहाँ आ जाओ। माफ करना, मैं पुरानी यादों में खो गया था। हमें अपने बेटे को अच्छे कपड़े लेकर देने होंगे। मैं अपने बेटे को ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने नहीं देख सकती, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो बुटीक पर चलें। ये एक स्टोर है, यहाँ से लोग कपड़े खरीदते हैं। मेरे कपड़े सालों पुराने हैं, ये सबसे महंगे ब्रांड्स हैं। कुछ पसंद आए तो बताना, इतनी सारी बढ़िया चीजें। हेलो, तुम हम पर ध्यान दोगे प्लीज? बाथरूम राइट पर है, ट्रूमिल सेक्शन के पीछे। हमें शहर का सबसे बढ़िया और महंगा स्टाइलिस्ट चाहिए। माफ करना, मुझे गलत फहमी हो गई। अभी आया।
आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं प्रेसिडेंट के कपड़े चुन रहा था। पहले मेरे बेटे की लुक बनाओ। समझ गया, मेरे साथ आओ। पहले मुझे नाप लेना होगा। हाँ, हो गया, याद कर लिया। चलो सीधे खड़े रहना, मैं अभी आया। पता नहीं कहाँ गया। इस सीजन की शान। वैसे वो एक प्रोफेशनल है, अपना काम जानता होगा। लगता तो यही है। ये सिल्क जैकेट आपके स्टेटस पर जचेगी। मॉम, ये नहीं। क्या मैं क्लाउन का काम करने वाला हूँ? ये किस तरह की अजीब गलतफहमी है? आप लोग फैशन न्यूज नहीं देखते? मुझे पसंद नहीं आया, और कुछ दिखाओ। क्या आप टॉप स्टाइलिस्ट की चॉइस पर सवाल उठा रहे हैं? मुझे अब उसकी पसंद पर भरोसा नहीं है। ये लुक जरूर पसंद आएगी, मैं खुद भी पहनना चाहूँगा। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। मैं एक चमकदार लेप्रेकॉन लग रहा हूँ। यहाँ आओ प्लीज। अच्छा लगा? अपने पैसे लो और जाकर अपनी मैगजीन पढ़ो। चिंता मत करो बेटा, मैं सब खुद संभाल लूँगी। चलो देखें यहाँ क्या है। सारी पुरानी कलेक्शंस है, बहुत सस्ती है, पर शर्ट अच्छी है। मॉम कुछ ज्यादा ही बहक गयी। तो कुछ फिट आया? मैं अमीर लड़के की तरह दिख रहा हूँ। रुको, एक आखिरी टच बाकी है। ओह शुक्रिया, अब मुझे सब अमीर समझेंगे। सबसे जरूरी चीज है कि मेरा बच्चा खुश है। मैं इस दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ। मुझसे डैड को अपनी खरीदारी दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा। ये सच है कि ये सब बैग्स खुद उठाकर जाना थोड़ा मुश्किल है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, सिर्फ एक ब्लॉक की दूरी है। मैंने टैक्सी क्यों नहीं बुलाई? मेरे हाथ टूटने वाले हैं। ओह आखिरकार मैं घर पहुंच ही गया। ओह क्या हो गया, मैं जा नहीं पा रहा। तीसरी कोशिश, मैं जा कर दिखाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे ये सब अपने कमरे में ले जाना है। ओह लगता है नई मुसीबत आ गई। ये देखो, बहुत अमीर जिंदगी के नुकसान। क्या तुम फंस गए हो? तुम्हें दिख ही रहा होगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। क्या तुम मदद के लिए किसी को बुला सकती हो? मैं मदद करती हूँ। इस घर में ऐसी मुसीबत आती रहती है। अपनी खरीदारी के बाद कोई भी दरवाजे से निकल नहीं पाता। हमारे पास इन सिचुएशंस के लिए अपने अलग तरीके हैं। जाओ। आह परेशानी हल हो गई। मैं हमेशा सेवा में हाजिर हूँ। शुक्रिया। चाहे जितने भी मास्क या प्रोडक्ट्स लगा लें, अमीर लोगों को भी स्किन की परेशानियाँ होती है। हे, मेरी नाक पर ये कैसी मुसीबत आ गई? सिर्फ तुम्हें ही नया घर नहीं मिला, अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। बॉम, एक परेशानी है। क्या हुआ बेटा? मेरी नाक को देखो, क्या हुआ है? घबराओ मत, मेरे पास एक्ने के लिए बहुत बढ़िया नुस्खा है। पैसों से किसी को भी मनाया जा सकता है। तुम मेरी नाक से जाते क्यों नहीं? ठीक है, मैं नया विक्टिम ढूंढता हूँ। वाह, अब बेहतर है। मैं कितने वक्त से मेकओवर चाहता था। मैंने कहा था पैसों से सब सुलझ जाता है। वैसे तुम मेरे सारे महंगे कॉस्मेटिक्स और लग्जरी परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हो। वाह, बहुत महंगे हैं। कुछ लगाते हैं, चलो देखें। ओह लग्जरी की खुशबू आ रही है। एक और बार लगाने से कुछ नहीं होगा, है ना? मैं चाहता हूँ इसकी खुशबू सब तक पहुँचे। एलेक्स को अभी भी अमीरी की जिंदगी की आदत डालने की जरूरत है। अब सब पर अपना जादू चलाने का वक्त है। क्या बात है, कोई धूल मिट्टी नहीं। हाय, ये इतनी जोरदार स्मेल कैसी है? मैं सांस नहीं ले सकती, बहुत दिलचस्प है। बच्चे पालना बिजनेस चलाने से ज्यादा मुश्किल है, पर ये बिलियनेयर गाइड ने मुझे बचा लिया। ओह ये चैप्टर भी है। बेबीसिटर के बगैर अपने बच्चे से अच्छे से बातचीत कैसे करें? कैसे हो डैड, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। लगता है ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मॉम, मैं आपसे कहना चाहता था, मुझे आपका परफ्यूम बहुत पसंद आया। ओह अच्छी पसंद है, पर तुमने कुछ ज्यादा ही परफ्यूम लगा लिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबको अमीरी की खुशबू आ जानी चाहिए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, सब सो क्यों रहे हैं? अभी तो सिर्फ दोपहर हुई है, क्या फिर से ऐसा हुआ? हेलो मिस, उठो। ओह क्या मैं अमंगस में आ गई? हे कोई खिड़की खोलो, बहुत हुआ, रुक जाओ। ओह क्या डैडी और मियाँ ठीक हो जाएंगे? हाँ चिंता मत करो, और अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। और इस आदमी का मामला गंभीर है। सर उठो। दोस्तों मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। ओह मेरा सर चकरा रहा है। वहीं मिस्टर पॉवल अपनी वाइफ की परफ्यूम की खुशबू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हमारे एम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पर था। फ्यू अब बेहतर लग रहा है। पर ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ट्विस्ट है, ये किसका बच्चा है और यहाँ क्या कर रहा है?
बेटा रोते नहीं है, मम्मी जल्दी आ जाएंगी, आ तो जाना चाहिए, तुम कितने प्यारे हो, डॉलर्स चाहिए, अरे ये आवाज़ कहाँ से आई, हे भगवान रोलेक्स, हे भगवान दो दो बच्चे, ये वाला अमीर लगता है, शुक्र है मैंने बिलियनेयर्स वाली पेरेंटिंग गाइड पढ़ी थी, चिंता मत करो डैडी, एंड्री तुम्हारा ख्याल रखेंगे, आवाज़ सुनी, नहीं तीन बच्चे, अब बस और सरप्राइज ना मिले, बच्चों प्लीज चीखो मत, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई मदद करो, मुझसे और सहन नहीं हो रहा, आह खिलौना कहाँ है, मुझे बच्चों को शांत करना है, मिस्टर पॉवल उठो, तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो, हाँ तुम्हारा काम हो गया है, अपने पैसे लो और जाओ, मैं अब और देर अजीब कॉस्ट्यूम्स नहीं देख सकती, वो हमें लूटने नहीं आए थे, नहीं मुझे तुम्हें और एलेक्स को कुछ बताना है, क्या आपने नई गाड़ी खरीदी है, लो ये बड़ा हो गया है, तो आप हमें क्या बताना चाहती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हमारे परिवार में कोई आने वाला है, वाह ये उम्मीद नहीं थी, क्या बात है, ये मैं हमेशा से चाहता था मेरा कोई भाई या बहन हो, वैसे आपके कितने भाई और बहन है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने जवाब बताएं।